आप सभी का स्वागत है फिर से मेरे YouTube चैनल पर। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं करुण रस का आस्वादन के ऊपर। इसके ऊपर विभिन्न आचार्यों ने क्या मत दिए, आज की इस वीडियो में हम लोग यही जानने वाले हैं। भारतीय काव्य शास्त्र के अंदर ये हमेशा से ही एक विवाद का विषय रहा है कि जो करुण रस है उसे हम सुखद माने या दुखद माने। तो पहले सुखद और दुखद की इस डिबेट में आगे बढ़ने से पहले हमें सबसे पहले ये जान लेना चाहिए कि ये करुण रस आखिरकार होता क्या है। करुण रस का मतलब होता है दया। दया आप लोगों के मन में कब उत्पन्न होती है, जब आप किसी को बहुत ही ज्यादा दुखद स्थिति में देखते हैं। तो करुणा उत्पन्न होती ही है दुखदपूर्ण स्थितियों को देखने से। आपको याद होगा कि जब आप किसी व्यक्ति को बहुत ज्यादा दुखी देखते हैं तो आपके मन में उसके लिए दया की भावना जागृत होने लगती है। याद कीजिए, अगर आपने सड़क पर किसी व्यक्ति को ठंड में सोते हुए देखा होगा तो आपके अंदर कितनी दया की भावना जागी होगी। तो ये जो दया की भावना जागती है इसी को करुणा कहते हैं और इसी वाले भाव को हम करुण रस के अंदर पढ़ते हैं। तो अब सवाल यहाँ पर ये उठता है कि ये जो करुण रस है जो कि दुखद पूर्ण क्षणों को देख करके हमारे मन में जागृत होता है, तो फिर वो सुखद कैसे हो सकती है, वो तो हमेशा दुखद होनी चाहिए। तो कुछ लोग कहते हैं कि करुण रस, क्योंकि ये एक प्रकार का रस है और रस हमेशा सुख यानी आनंद ही देने वाला होता है, तो इसलिए क्या है करुण को सुखद मानते हैं। परंतु कुछ आचार्यों का ये कहना रहता है कि करुण रस जो कि दुख, किसी के दुख को देख करके उत्पन्न होता है, और किसी का दुख देख करके हमें आनंद की अनुभूति कैसे हो सकती है। तो इस विषय को लेकर के अलग अलग आचार्यों ने अपने अपने मत दिए हैं। सबसे पहले हम लोग शुरुआत करेंगे रामचंद्र गुणचंद्र से। तो इन्होंने क्या कहा था, इन्होंने जो जितने भी रस है उसको दो भागों में बांट दिए। इन्होंने कहा कि रस जो है सुखात्मक भी होते हैं दुखात्मक भी होते हैं, दो प्रकार के पाए जाते हैं। बाकी कुछ आचार्य हैं जो कहते हैं कि रस हमेशा सुखात्मक ही होते हैं, हमेशा हमें आनंद ही देते हैं, पर लेकिन रामचंद्र गुणचंद्र ऐसा नहीं मानते। वो कहते हैं कि पांच रस सुखात्मक है और चार रस दुखात्मक है। सुखात्मक रसों के अंदर वो गिनवाते हैं श्रृंगार रस, हास्य, वीर, अद्भुत और शांत, और दुखात्मक के अंदर ही उन्होंने किसको रखा है, करुणा को, रोंद, विभत्स और भयानक। तो इन्होंने इस तरीके से इनको बांट दिया। और रामचंद्र गुणचंद्र ऐसा किस लिए करते हैं, इसके पीछे वो अपने चार तर्क देते हैं और इन तर्कों के माध्यम से वो बताते हैं कि जो रस है स्पेशली जो करुण रस है वो दुखात्मक ही होता है। तो सबसे पहला जो उदाहरण वो देते हैं कि जब भी हम कोई नाटक वगैरह प्ले में देखते हैं, स्पेशली उन्होंने कुछ दृश्य बताए हैं, जैसे महाभारत में जब द्रौपदी का चीरहरण होता है, उस दृश्य को देख करके भला कोई भी व्यक्ति सुखद की अनुभूति कैसे कर सकता है। ठीक इसी प्रकार से जब सीता का हरण होता है रामायण में, उस स्थिति को देख करके लोग आनंद की अनुभूति कैसे ले सकते हैं, नहीं ले पाएंगे। तो पहला रीजन उनका यही है। इसी प्रकार से वो अपना दूसरा तर्क देते हैं कि कोई भी कवि होता है वो सांसारिक दुखों को देख करके और उसी की अभिव्यक्ति नाटकों में करता है, और वो दुख जब हम तक पहुंचा ही नहीं तो वो वास्तविक दुख रहा ही नहीं, यानी कि वो स्थिति वास्तविक है ही नहीं, वो काल्पनिक स्थिति वहां पर मंचन की जा रही है। क्योंकि जब हमें वास्तविकता में वहां पर दुख प्राप्त होता है तो जब नाटक में वो चीज दिखाई जा रही है तो वहां पर भी हमें क्या है, दुख की प्राप्ति होनी चाहिए, और अगर नहीं हो रही तो वो चीज वहां पर जो दिखाई जा रही है वो सत्य नहीं है। ये उनका दूसरा तर्क होता है। इसी प्रकार से वो तीसरा तर्क देते हैं कि कुछ लोग कहते हैं कि जब लोग नाटक देखते हैं तो वहां पर जब दुखपूर्ण स्थितियों का वर्णन वहां पर किया जाता है तो उसे देख करके लोगों के मन में जो दुख रहता है उसको एक प्रकार से सांत्वना मिलती है, और वो जो स्थिति है वो घटना है दुखपूर्ण होने के बावजूद भी हम लोगों को क्या है, आनंद प्रदान करने लगती है। यहीं पर ही फिर रामचंद्र गुणचंद्र कहते हैं कि वास्तविकता में ये जो उन्हें सुख की स्थिति प्राप्त हो रही है असल में सुख की स्थिति नहीं है, ये भी उन्हें उस दुख से ही प्राप्त हो रहा है। और एक बात और वो इसमें ऐड ऑन करते हैं कि अगर कोई व्यक्ति दुखपूर्ण स्थिति को देख करके सुख का महसूस कर रहा है, सुखद महसूस कर रहा है, तो जब उस व्यक्ति को हम लोग सुखपूर्ण स्थिति दिखाएंगे तो वो उस सुखदपूर्ण स्थिति से उस तरह से सुखी नहीं हो पाएगा जिस तरीके से सामान्य जन होते हैं, तो सुख की स्थिति उसको दुख देने लगेगी। तो जो हमने कहा था यहाँ पर कि रस जो हमेशा सुखात्मक होता है तो उस व्यक्ति को सुख वाले में भी क्या है, दुख की अनुभूति होने लगेगी। कई बार ऐसा होता है ना कि जिस व्यक्ति को दुखपूर्ण घटना ही अच्छी लगती है हमेशा, क्योंकि उसके साथ इतना बुरा हो रखा है कि वो जब कुछ अच्छा देखता है तो उसे बुरा ही लगने लगता है। जैसे किसी का अगर ब्रेकअप हुआ हो तो उसको
कपल्स को देख करके उसके मन में क्या है, खुशी उसे बिल्कुल भी नहीं होती है, उसे दुख की अनुभूति होती है। सेम दूसरी जगह जो व्यक्ति अभी सिंगल है वो उन कपल को देख करके काफी ज्यादा खुश होता है। तो आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर जो स्थितियां बट रही है, एक सुखात्मक हो रही है, दूसरी दुखात्मक हो रही है। पर लेकिन बाकी आचार्यों को क्या मानना था कि रस हमेशा सुखात्मक होता है, इसी बात को वो काटने के लिए रामचंद्र गुणचंद्र ये एग्जाम्पल देते हैं कि ये सुखात्मक और दुखात्मक दोनों ही तरह के होते हैं। अब यहीं पर ही वो अपना चौथा तर्क देते हैं जिसमें वो कहते हैं अगर कोई नाटक को देख करके, दुखपूर्ण नाटक को देख करके अगर कोई आनंदित भी हो रहा है तो उसके आनंदित होने के पीछे का जो कारण है वो उस नट की कुशलता है, जो नाटक को कर रहा है अच्छे से उसकी वजह से वो क्या है, दुखदपूर्ण स्थिति भी सुखदपूर्ण बन जाती है। क्यों? क्योंकि वो जो उस स्थिति को दिखा रहा है वो इतने अच्छे से प्रदर्शित करता है तो लोग उसकी कुशलता को देख कर ही क्या है, आनंदित महसूस करने लगते हैं। एक एग्जाम्पल से भी आप समझ सकते हैं कि अगर कोई बहुत ज्यादा दुखपूर्ण स्थिति चल रही हो, वहीं पर ही अगर जो नाटक करने वाला व्यक्ति है, नट है, वो उस पात्र को या फिर उस प्ले को अच्छे से नहीं करता और कुछ गड़बड़ कर देता है तो वो दुखपूर्ण स्थिति भी क्या हास्य में परिवर्तित हो जाती है। तो इसलिए नट की जो कुशलता है वो भी मैटर करती है कि लोगों तक ये सुखात्मक चीजें पहुंचेगी या फिर दुखात्मक। तो बिना इसके भी क्या है, हम नहीं कह सकते कि वो केवल क्या होती है, सुखात्मक स्थिति होती है, कुछ नट की कुशलता पे भी डिपेंड करता है। अगले जो विचारक है मधुसूदन सरस्वती, उनका कहना है कि सभी रस क्या सुखपूर्ण होते हैं और कुछ ऐसी स्थितियां भी होती है जहां पर क्या है वो जो रस है सुखपूर्ण हमें नहीं लगते। इसके पीछे वो रीजन बताते हैं कि हमारे अंदर रजोगुण, तमोगुण और सत्वगुण, ये तीन तरह के जो गुण पाए जाते हैं उसमें से एक जब सत्वगुण जब हमारे में प्रधान रहता है तब तो जितने भी प्रकार के ये जो रस होते हैं वो हमेशा सुखपूर्ण हमें देंगे यानी सुखद लगेंगे। पर लेकिन जब ये जो सत्वगुण है कम हो जाता है, रजोगुण और तमोगुण बढ़ जाते हैं, तब उस टाइम पर जो रस का आस्वादन होता है वो हमें दुखपूर्ण भी लगने लगता है। तो ये बात मधुसूदन कहते हैं, परंतु उनका जो मानना है कि रस जो हमेशा सुखपूर्ण होते हैं, क्योंकि जब रस की दशा होती है तब उस टाइम पर हम क्या है केवल सत्वगुण हमारा ज्यादा रहता है तभी वो रस दशा कहलाएगी, अन्यथा वो रस दशा होती ही नहीं है। इसी से मिलता जुलता आगे चल करके रामचंद्र गुणचंद्र भी ये बात बताते हैं कि करुण रस और भयानक आदि रस, ये जो चार प्रकार के उन्होंने रस बताए थे जो कि दुखात्मक गिनवाए, ये बाद में कहते भी हैं कि ये हमेशा दुखात्मक नहीं रहते, ये कभी कभी क्या सुखात्मक भी बन जाते हैं। या आप यूं कहिए कि इनकी जो पहले की स्थिति होती है, शुरुआती स्थिति, वो दुखात्मक रहती है, पर जैसे ही ये अपने अंतिम स्थिति में पहुंचती है वो सुखपूर्ण हो जाती है। अगर ये बात रामचंद्र गुणचंद्र आगे अगर नहीं भी मानते तो भी क्या है इनकी ये बात गलत साबित होती है। कई बार ऐसा पाया गया है कि जो दुखात्मक स्थिति जिन्होंने बताया कि ये वाले रस हमेशा हमें दुख प्रदान करते हैं, काफी सारे लोग ऐसे हैं जिनको इन रसों के अंदर ही सुख की अनुभूति होने लगती है। और इसी बात की पुष्टि करते हैं आगे आचार्य विश्वनाथ, जो बताते हैं कि जो करुण आदि जो रस होता है ये सुखपूर्ण होता है। इसके पीछे का रीजन क्या है कि जो सहृदय होता है वो इस प्रकार के नाटकों को देखने के लिए हमेशा क्या है तत्पर रहता है, सदा उन्मुख रहता है कि वो इस प्रकार के करुण नाटकों को देखे और उन्हें देख करके आनंदित फील करे। अब अगले आचार्य आते हैं भटनायक। तो भटनायक भी अपने ये जो कहते हैं कि ये जो रस होते हैं ना केवल करुण रस, सभी रस सुखात्मक होते हैं, तो करुण रस भी उसी के अंदर आ गया सुखात्मकता। इसके पीछे का जो रीजन वो बताते हैं, उनका जो सिद्धांत है ये साधारणीकरण वाला ये रहता है कि जब भी उन भावों का साधारणीकरण हो जाता है तो भावों का साधारणीकरण होते ही जो व्यक्ति मंचन पर है वो विशेष ना रह करके एक सामान्य भूमि पर आ जाता है, राम राम ना रह करके एक सामान्य पुरुष बन जाता है, सीता एक सीता ना रह करके सामान्य स्त्री बन जाती है। और जो लोग नाटक देख रहे हैं वो अपने आप को इसी भाव भूमि पर कनेक्ट कर लेते हैं और वो जो दर्शक है जो इस नाटक को देख रहा है उसे ना खुद का याद रहता है ना उसे ये याद रहता है कि सामने कोई राम है, वो एक सामान्य भाव भूमि पर उतर आते हैं जो कि एक सामान्य मानव है। और इसीलिए उनका क्या होता है जो लौकिक सुख और लौकिक दुख ये भी उन्हें प्राप्त
नहीं होता, क्योंकि वो लोकोत्तर हो जाते हैं, लोक से अलग हो जाते हैं, हट जाते हैं, सारा ज्ञान वो भूल जाते हैं। तो इसलिए जो लौकिक सुख होता है उन्हें वो भी पता नहीं लगता, जो लौकिक दुख होता है उन्हें वो भी पता नहीं लगता। इसलिए कहा जाता है कि जब रस की हमें प्राप्ति होती है वो लोकोत्तर होती है, और जो आनंद प्राप्त होता है वो भी क्या है, लोकोत्तर है। कि लोक में ऐसा कोई आनंद प्राप्त हमें होता ही नहीं है इस प्रकार का। तो इसलिए इनका यह साधारणीकरण भी इस बात को सिद्ध करता है कि जो रस की प्राप्ति होती है, स्पेशली करुण रस की भी प्राप्ति जो होती है वो सुखात्मक ही होती है। अगले आचार्य हैं भवभूति, जिनका ये मानना है कि केवल एक ही रस होता है, करुण रस, बाकी जितने भी प्रकार के जो रस होते हैं वो सभी इसके बाद जन्म लेते हैं, करुण रस ही एक मेन रस है। इस वाले टॉपिक को आप खुद ही थोड़ा और डिटेल में पढ़ सकते हैं। अभी हमें पाश्चात्य दृष्टि में करुण रस का आस्वादन देखना है। ये तो हो गया भारतीय वाला, अब पाश्चात्य में देखिए कि उन लोगों ने इस करुण रस के बारे में क्या कहा। तो सबसे पहले जो आते हैं अरस्तु, अरस्तु का त्रासदी का सिद्धांत आप सभी को पता होगा, जिसमें उन्होंने विरेचन का सिद्धांत दिया है। तो अरस्तु का भी ये मानना है कि जब दुखपूर्ण स्थितियों का मंचन होता है, यानी त्रासदी का मंचन होता है, तो जो दर्शक होता है, जो देख रहा होता है, उसके दुखों का भी क्या है, विरेचन हो जाता है, वो बाहर निकल आते हैं, जो उसके मन में वो सारी स्थिति थी। तो जब वो त्रासद यानी कि दुखपूर्ण स्थिति उसकी मन से बाहर निकलती है, तो बाहर निकलने के बाद वो जो त्रासदीपूर्ण नाटक था वो भी उसके लिए क्या है, एक आनंद का विषय बन जाता है। तो अरस्तु भी क्या है, एक तरीके से त्रासदी को सुखात्मक मान रहे हैं। परंतु अरस्तु की इस बात को ल्यूकस आकर के रोकते हैं और कहते हैं कि कोई भी जो नाटक देखने के लिए जाता है वो इस भाव से नहीं जाता कि उसका क्या है, जो ये जो उसके अंदर जो विकार पाए जा रहे हैं कि दुखपूर्ण स्थिति को देख करके उसे आनंद आ रहा है, वो इसका विरेचन करने के लिए नहीं जाता। वो वहां पर जाता है उन नाटकों का भोग करने के लिए जाता है बजाय विरेचन के। तो ये कहना था ल्यूकस का, इसलिए वो अरस्तु से सहमत नहीं होते। अगले जो विचारक आते हैं वो है रूसो। रूसो कहते हैं कि मानव के अंदर एक सहज वृत्ति पाई जाती है परपीड़न की, यानी दूसरों को दुखी देख करके खुश होने की, या फिर स्वपीड़न यानी खुद को पीड़ा पहुंचा करके खुशी होने की। पर लेकिन आगे जो आचार्य हैं इनकी इन बातों से सहमत नहीं होते। वो कहते हैं कि खुद दूसरों को दुखी दुख पहुंचाना और खुद को पीड़ा देना ये कोई सहज प्रवृत्ति नहीं है, ये तो एक असामान्य प्रक्रिया है, तो इसलिए इनकी बात नहीं मानी जाती। आगे चल करके इसी विचार को थोड़ा दूसरे ढंग से और विचारकों ने प्रस्तुत किया या देखने की कोशिश करी, वो है मानव की सहानुभूति। तो उन लोगों को दुखी देख करके वो क्या है, अपनी सहानुभूति प्रकट करते हैं, और ये जो सहानुभूति वो प्रकट करते हैं यही क्या है, यही स्थिति सुखात्मक रहती है। पर लेकिन आगे कुछ आचार्य कहते हैं कि मानव ये जो दिखाता है, ये जो सहानुभूति भी होती है, ये पर सहानुभूति नहीं होती, ये भी जो सहानुभूति वो दे रहे हैं किसी और व्यक्ति को नहीं, खुद को ही दे रहे हैं, आत्म सहानुभूति दे रहे हैं, और यही आत्म सहानुभूति देने की वजह से वो क्या है, सुखात्मक स्थिति बन जाती है। यानी कि अगर हम किसी को दुखी देख करके उसको सहानुभूति दे रहे, सांत्वना दे रहे हैं, तो वो सांत्वना हम उसे नहीं दे रहे, खुद को दे रहे हैं अपने आप को, इसलिए हमारा जो दुख है वो दुख नहीं लग के सुखद पूर्ण स्थिति हमें लगने लग जाती है। अगले जो विचारक है निश्चय, तो ये क्या कहते हैं कि कोई भी रचना अगर होती है उसके अंदर प्रकाश और अंधकार, यानी कि सही स्थिति और गलत स्थिति दोनों चीजें दिखाई जाती है, और यही जब दोनों प्रकार की स्थिति वहां पर दिखाई जाती है तो यही त्रासदी होने के बावजूद भी क्या है, एक रस का निर्माण करता है, यानी हमें आनंद की अनुभूति देने लगता है। और इसी बात से आगे जो सहमत होते हैं वो हीगेल होते हैं। वो कहते हैं ये द्वंद्वात्मकता को वहां पर दिखाना ही असल में ये क्या बन जाता है, एक प्रकार से त्रासदी होने के बावजूद भी वो हमें आनंद की प्राप्ति कराने लगता है, रस की प्राप्ति करा देता है। परंतु इस प्रकार की जो आनंद है वो सामान्य व्यक्ति नहीं ले पाता है, क्योंकि जब आप नाटकों में देखते हैं कि वहां पर अच्छी चीजें भी दिखाई जा रही हैं, बुरी चीजें भी दिखाई जा रही है, कि जैसा जीवन में होता है कि सुखद स्थितियां भी होती है, दुखद स्थितियां भी होती है, वहां पर दोनों का द्वंद्व दिखा दिया गया है। तो जो सामान्य से उच्च सहृदय वाला पाठक होगा, जो उसे देख रहा होगा, दर्शक होगा, तो वो तो इन भावों को ग्रहण कर पाएगा कि दोनों चीजें क्या है, सामान्य है, दोनों ही चीजें लाइफ में होती है। तो जो उसकी
तो उसे ना उन दृश्यों को देख करके दुख की महसूस होगा और ना ही बहुत ज्यादा सुख होगा। उसके लिए वो एक आनंद की अनुभूति रहेगी ही, सहज चीज हो जाएगी उसके लिए। आगे जब हम बढ़ते हैं तो ल्यूकस भी आते हैं और ल्यूकस भी नीत्से के इन मतों से क्या है, अपने आप को अपनी सहमति देते हैं और कहते हैं कि उत्थान और पतन इन दोनों का उदात्त चित्रण जब कविता में या काव्य में किया जाता है तो वो क्या है, अपने आप में सुखद स्थिति बन जाती है, यानी कि रस की प्राप्ति हमें होने लगती है। आगे चल करके जो रिचर्ड्स हैं, रिचर्ड्स भी इस बात को स्वीकार करते हैं और कहते हैं कि अपकर्ष और विकर्ष, अपकर्ष मतलब नाटकों में कुछ ऐसी चीजें दिखाना जो बहुत ज्यादा आकर्षित करे लोगों को, यानी एक तरीके से सुख, और जो विकर्षण है जो लोगों को एक तरीके से उनका जो अट्रैक्शन आया था उसे तोड़ दे, यानी एक प्रकार से दुख। जब इन दोनों का सामंजस्य वहां पर दिखाया जाता है तब क्या है, जो नाटक होता है वो त्रासदीपूर्ण होने के बावजूद भी सुखात्मक होने लगता है। तो ये थी पूरी की पूरी डिबेट और लोगों की जो मान्यताएं थी आचार्यों की, वो आप लोगों के सामने है। तो इसके हिसाब से आप लोग देख पा रहे होंगे कि रस जो है ज्यादातर टाइम पर इसे आनंदमय माना गया है, सुखद पूर्ण माना गया है। तो वीडियो को अगर आप अभी तक देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को यदि अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लो, मैं आप लोगों के लिए इसी तरीके से वीडियोस लेकर के आता रहता हूँ।